दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को सभी तरह के समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव से जो व्यक्ति डर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो ऐसे समय में धैर्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ता रहता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। निराशा एक ऐसी बीमारी है कि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं लेकिन अगर आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलता नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद सारा उत्साह खत्म होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण उदासीनता यानी अपने आप में प्रेरणा की कमी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए काफी मोटिवेशन की जरूरत होती है। आजकल की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा आज हम कुछ मोटिवेशनल आजकल की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ मोटिवेशनल वीडियो आपको हिंदी में लेके आ रहे हैं, जिनके द्वारा आप किसी व्यक्ति अथवा छात्र के जीवन में उजाला ला सकते हैं। आज का कहानी है दुखी दुख है। आज का कहानी का शीर्षक है दुखी दुख है और दुख ही दुख है। तीर्थंकर महावीर से एक जिज्ञासु ने पूछा कि विभिन्न धर्म शास्त्रों में धर्म कर्म के तरह तरह के साधन बताए गए हैं, आपकी दृष्टि में धर्म की क्या व्याख्या है महावीर कहते हैं, अहिंसा, क्षमा, दया, सत्य और शौच। शौच में पवित्रता, संयम, ताप, त्याग, विनयशीलता, निष्कपटता आदि धर्म के लक्षण हैं। कर्मकांड को धर्म समझना ही भ्रम है जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है उसे हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है, वो धार्मिक है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का उत्पीड़न सहने के बाद भी अहिंसा पर अटल रहकर क्रोध को पास नहीं फटकने देता है उसे धर्मशास्त्र में आदर्श धर्मशास्त्र समाजशील कहा गया है। महावीर कहते हैं कि जीवन, जन्म, जरा और मरण से होने वाले दुख को जानता है। उसका विचार भी करता है किंतु विषयों को प्रियत नहीं हो पाता है। माया की गांठ सुदृढ़ होती रहती है। आत्मा को दूषित करने वाले भोग विलासों में, निम्न शरीर को जर्जर करने वाले दुष्कर्म में रत ज्ञानी और मूढ़ जीव उसी तरह कर्मों में बंधा जाता है जैसे मीठे रस में मक्खी रहती है। खुजली होने पर भी जैसे खुजलाने के दुष्परिणाम को व्यक्ति सुख मानता है, वैसे ही मोहतातुर मनुष्य कर्म जनित दुख को ही सुख मानकर उसमें लिप्त रहता है। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु सभी दुख हैं और संसार दुख की खान है। जीवन को सार्थक करने को साधन न जानने के कारण मुख व्यक्ति मृत्यु तक दुख रूपी संसार की यातना सहन करता रहता है।
जो व्यक्ति मिथ्या तत्व से ग्रसित होता है उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, उसे धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते, उसे धर्म के कार्य अच्छे नहीं लगते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।